पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। गर्ल्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने प्लेन स्लीव की ड्राफ्टिंग को डिस्कस किया था। आज मैं आपका नेक्स्ट टॉपिक पफ स्लीव की ड्राफ्टिंग के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। पफ स्लीव की ड्राफ्टिंग करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका शेप कैसा होता है। ये वो स्लीव है जिसमें टॉप पर एवं बॉटम पर गैदर्स डाले जाते हैं और बीच में आर्म्स पर फुलनेस पाई जाती है। जरूरी नहीं है कि इसमें गैदर्स टॉप पर भी डाले जाएं, बॉटम पर भी डाले जाएं। हम केवल टॉप पर भी गैदर्स डाल सकते हैं या केवल बॉटम पर भी डाल सकते हैं या दोनों एंड्स पर हम गैदर्स का प्रयोग कर सकते हैं। इस स्लीव की ड्राफ्टिंग करने के लिए हमें दो मेजरमेंट्स की जरूरत पड़ती है, स्लीव लेंथ एंड राउंड चेस्ट मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर स्लीव लेंथ 14 सेंटीमीटर लिया है और राउंड चेस्ट मेजरमेंट हमने 52 सेंटीमीटर लिया है। इस स्लीव की ड्राफ्टिंग करने से पहले हमें एक बेसिक बात पता होनी चाहिए कि कौन कौन से मीडियम पर हम स्लीव की ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया मिल्टन क्लॉथ पर ड्राफ्टिंग की जा सकती है। मैंने पिछली क्लास में भी आपको डिस्कस किया था कि मिल्टन क्लॉथ क्या होता है। ब्राउन पेपर पर हम ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। नोटबुक्स में जैसे कि मैं आपको क्लास में करवाती हूँ, आप अपने लोगों की ड्राफ्टिंग फाइल में भी आप ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम देखा जाए कि कौन सा फैब्रिक इस स्लीव की ड्राफ्टिंग करने के लिए सुटेबल होता है या स्लीव का पेपर पैटर्न बनाने के लिए सुटेबल होता है, तो लाइट एंड मीडियम वेट दोनों ही फैब्रिक पर हम पफ स्लीव की ड्राफ्टिंग आसानी से कर सकते हैं। हैवी वेट फैब्रिक इस स्लीव के लिए ज़्यादा सुटेबल नहीं रहता है क्योंकि जब हम गैजेस डालते हैं तो वो और ज़्यादा हैवी हो जाता है। कौन कौन से गार्मेंट में इस स्लीव का प्रयोग किया जाता है, जैसे जबला है, फ्रॉक्स है, टॉप्स है। अभी आप जब गार्मेंट स्टिच करेंगे तो जबले में जब योग जबला बनाएंगे तो उसमें आप इसी स्लीव का प्रयोग करिएगा। सुटेबिलिटी, सभी किड्स गार्मेंट में इनका प्रयोग किया जा सकता है, लेडीज गार्मेंट में भी इनका प्रयोग किया जा सकता है, पर क्या आपने कभी जेंट्स गार्मेंट में देखा है? नहीं, जेंट्स गार्मेंट में इस स्लीव का प्रयोग जनरली अभी तक नहीं किया जाता है। वैरायटी, इसकी तीन वैरायटी क्रिएट की जा सकती है, जैसे हम गैदर्स केवल टॉप पर डाल सकते हैं, गैदर्स केवल बॉटम पर डाल सकते हैं एवं गैदर्स हम दोनों एंड्स पर यानी कि टॉप एवं बॉटम दोनों पर डाल सकते हैं। अब आता है इसके निर्देश इंस्ट्रक्शंस कि स्लीव की ड्राफ्टिंग की कैसे जाती है। इस स्लीव की ड्राफ्टिंग करने के लिए सबसे पहले हम 0 to 1 स्लीव लेंथ को निरूपित करता है, यानी कि जितनी फॉर एग्जांपल हमने 14 सेंटीमीटर लेंथ लिया है तो हमें 0 to 1 14 सेंटीमीटर को ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं 0 to 2 एंड 1 to 3। ये दोनों ही 1 foot ऑफ चेस्ट प्लस 10 सेंटीमीटर फॉर गैदर्स लिया जाता है। जितना 0 to 2 मेजरमेंट लिया जाता है एज इट इज 1 to 3 मेजरमेंट ले लिया जाता है और इन सभी पॉइंट्स को फॉर एग्जांपल 0 to 1, 0 to 2, 2 to 3 एंड 1 to 3 को ज्वाइन करके एक रेक्टेंगल को क्रिएट कर लिया जाता है। तत्पश्चात पफ क्रिएट करने के लिए हम 0 to 4 मेजरमेंट लेते हैं। देखिए ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना रेज्ड पफ आपको बनाना है उतना ही हमें इसको हाइट में ज्यादा लेना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने 5 सेंटीमीटर लिया है तो 5 सेंटीमीटर से यदि हम ज्यादा लेंगे तो पफ हमारा और हाई होगा, तो हमने यहाँ पर लिया 0 to 4 5 सेंटीमीटर फॉर पफ। उसके बाद हमने यहाँ पर 1 to 5 लिया है, ये स्लाइटली बॉटम पर शेप क्रिएट करने के लिए लिया है, जो हम 1.5 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। तत्पश्चात हमने 2 to 6 पॉइंट लिया है। 2 to 6 पॉइंट जैसे आपने प्लेन स्लीव में लिया था बिल्कुल वैसे ही लिया जाता है। ये 1/12 ऑफ चेस्ट मेजरमेंट प्लस 2.5 सेंटीमीटर लिया जाता है। उसके बाद 4 वाले पॉइंट को 6 वाले पॉइंट से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लिया जाता है। इसको ज्वाइन करने के बाद इसका एक मिड पॉइंट लिया जाता है, तो 7 इज द मिड पॉइंट ऑफ 4 to 6 मेजरमेंट। फिर 8 पॉइंट लिया जाता है, 8 इज अगेन मिड पॉइंट ऑफ 4 to 7 मेजरमेंट एंड 9 इज द मिड पॉइंट ऑफ 6 to 7 मेजरमेंट। तत्पश्चात 7 to 10, 8 to 11 एंड 9 to 12 मेजरमेंट लिया जाता है। 7 to 10 मेजरमेंट 0.75 सेंटीमीटर लिया जाता है, 8 to 11 1.5 सेंटीमीटर लिया जाता है, 9 to 12 1 सेंटीमीटर लिया जाता है। इन पॉइंट्स को लेने के बाद इनको कर्व शेप में ज्वाइन किया जाता है, जैसे ज्वाइन 6, 9, 10, 11 एंड 4 विथ ए स्लाइट कर्व फॉर बैक आर्म साइड। ज्वाइन 0.6, 12, 7, 11 एंड 4 फॉर फ्रंट आर्म साइड, यानी कि फ्रंट आर्म होल पर हम इस वाली कर्व को ज्वाइन करते हैं एवं बैक आर्म होल पर हम इस शेप को ज्वाइन करते हैं। अब नीचे से इसमें शेप देने के लिए हम 3 to 13 1.5 सेंटीमीटर लेते हैं और 6 to 13 को हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं और
13 टू 5 को हम स्लाइटली कर्व शेप से ज्वाइन कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारा कर्व शेप की ड्राफ्टिंग तैयार हो जाती है। पिछली क्लास में भी मैंने आपको ये जो रेड मार्किंग सी गई है इनके बारे में बताया था। इसे हम स्क्वायर ऑफ ग्रीन लाइन एरो या ऑनफोल्ड कहते हैं। ये ऑनफोल्ड इस बात को निरूपित करता है कि कपड़े को हमने यहाँ पर फोल्ड करके लिया है। फ्रंट एंड बैक, एफ एंड बी बताता है कि ये फ्रंट और बैक यानी कि हमारी आर्म्स पर जब ये कवर करती है स्लीव, तो फ्रंट पार्ट को भी इसी में ही बनाया गया है और बैक पार्ट को भी इसी में ही बनाया है, जैसे कि मैंने भी आपको शेप के थ्रू बताया था। कट टू, कट टू ये डिनोट करता है कि इस स्लीव के हमें दो पीसेस कट करने हैं, एक राइट हैंड के लिए और दूसरा लेफ्ट हैंड के लिए। ए डिनोट करता है कि ए का जो टॉप पार्ट है, ये डिनोट करता है कि ये स्लीव का टॉप पार्ट है, ऊपर वाला हिस्सा टॉप पार्ट है, और नीचे जो इसकी दो लेगें निरूपित करती हैं कि ये स्लीव का बॉटम वाला हिस्सा है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ग्रेन लाइन। ग्रेन लाइन इस पफ स्लीव को बनाने के लिए हम इसे स्ट्रेट ग्रेन में कट करते हैं। कई बार पफ को अच्छा शेप देने के लिए हम इसे बायस ग्रेन में भी कट कर सकते हैं। इस प्रकार पफ स्लीव की ड्राफ्टिंग तैयार की जाती है। अब उसके बाद आता है कि ये ड्राफ्टिंग हम किस किस मीडियम पर कर सकते हैं। हम मेल्टन क्लॉथ पे भी ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, ब्राउन पेपर पर भी कर सकते हैं, जैसे कि आप सभी लोग ड्राइंग बुक्स पे या नोटबुक्स पे ड्राफ्टिंग करते हैं, आप नोटबुक पे भी इसको ड्राफ्टिंग को कर सकते हैं। ड्राफ्टिंग के लिए आप फुल साइज स्केल का प्रयोग या ड्राफ्टिंग स्केल का प्रयोग कर सकते हैं। फेब्रिक, पफ स्लीव की ड्राफ्टिंग के लिए कौन सा फेब्रिक सुटेबल रहता है। लाइट एंड मीडियम वेट फेब्रिक पर पफ स्लीव की ड्राफ्टिंग हम अच्छे से कर सकते हैं। हैवी वेट फेब्रिक का प्रयोग इसमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हैवी वेट फैब्रिक जो है यदि हम गैदर स्नो डालेंगे तो बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा। गारमेंट्स, जबले में इसका प्रयोग किया जा सकता है, फ्रॉक्स में इनका प्रयोग किया जा सकता है, टॉप्स में इनका प्रयोग किया जा सकता है, जेंट्स गारमेंट में इनका प्रयोग जनरली नहीं किया जाता है। सुटेबिलिटी यदि हम देखे जाए तो सभी किड्स गारमेंट में, लेडीज गारमेंट में इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। वैरायटी जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हम केवल गैदर्स टॉप पे भी डाल सकते हैं, गैदर्स केवल बॉटम पर भी डाला जा सकता है और गैदर्स दोनों एंड पर भी डाले जा सकते हैं। इस प्रकार से हम पफ स्लीव की ड्राफ्टिंग को करते हैं। थैंक यू।